यूनिट ऑफ के फॉर हाफ ऑर्डर रिएक्शन की। तो पिछले उन्होंने बात करी है कि आपकी जो यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की, सो कैसे निकाले जाते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला डिराइव किया था कि अगर कोई भी सिंपलेस्ट आपका आपको ऑर्डर निकालना तो कैसे निकालते तो होता है। उसके लिए के इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 बाय कंसंट्रेशन की पावर एन। ओके, अब यहाँ पे आपने एन को रखना है 1/2, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर क्या है हमारे पास हाफ ऑर्डर रिएक्शन है। इसके लिए आपको यूनिट कैसे निकालनी है, इसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है हाफ ऑर्डर में, तो उसको आप कैसे करना है देखिए। आप क्या करेंगे, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम आपके पास है गिवन, तो आप क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय कंसंट्रेशन की पावर 1/2 से। तो 1 बाय कंसंट्रेशन की पावर 1/2 का क्या मतलब है, यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर में क्या है रूट आ रहा है, यानी कि के विल बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन अपॉन अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन इंटू 1 बाय टाइम, ठीक है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी आप नीचे रूट होता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम ऐसे करेंगे। हम ये करेंगे कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन अपॉन रूट कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे 1/2 टाइम हमारे पास आई, तो इससे क्या होगा, ये हमारे पास बन जाएगा कंसंट्रेशन इंटू अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा इंटू 1/2 टाइम। अब कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर, यानी कि अंडर रूट ऑफ मोल पर लीटर इंटू 1 बाय सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारे पास मोल की पावर 1/2, यानी कि मोल की पावर हो जाएगी हमारे पास 1/2 इंटू लीटर की पावर माइनस के 1/2 इंटू पर सेकेंड। तो हमारे पास जो यूनिट आती है हाफ ऑर्डर रिएक्शन की वो होती है मोल की पावर 1/2 इंटू एल की पावर लीटर की पावर माइनस 1/2 इंटू पर सेकेंड। तो हमारे पास आती है के की यूनिट। तो इस तरह आप हाफ ऑर्डर की जो यूनिट है वो के की निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ आया कि हाफ ऑर्डर के लिए के की यूनिट रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट कैसे निकाल जाती है। इसी फॉर्मूले से आप सारे ऑर्डर की इस तरह निकाल सकते हैं। कई बार कई कुछ होते क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इस तरह आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स को आप यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, आराम से आप किसी भी ऑर्डर के लिए के की यूनिट निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ आया।